मंत्री और हमारे और बड़े बड़े मुरब्बी मुरब्बी आदरणीय आदरणीय जितेंद्र जितेंद्र सिंह सिंह जी, जी, चीफ चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटरी गुजरात, गुजरात, सेक्रेटरी सेक्रेटरी भारत भारत सरकार, सरकार, सम्मानित सम्मानित मंच, मंच, आप आप सब सब अलग 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 स्टेट स्टेट से से आए आए हुए हुए माननीय माननीय मंत्री मंत्री महोदय, महोदय, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, डेलीगेट्स, डेलीगेट्स, आप आप सबका सबका गुजरात गुजरात सरकार की सरकार ओर की ओर से से मैं मैं स्वागत स्वागत करता करता हूं। हूं। आई आई एम एम ग्लेड टू ग्लेड बी टू बी हियर हियर इन इन दिस दिस सेंट्रल सेंट्रल स्टेट स्टेट साइंस साइंस कॉन्क्लेव कॉन्क्लेव टुडे टुडे एट एट साइंस साइंस सिटी। सिटी। आई आई टेक टेक दिस दिस अपॉर्चुनिटी ऑपॉर्चुनिटी टू टू वेलकम वेलकम ऑनरेबल, ऑनरेबल अभी अभी हमारे हमारे साथ साथ नरेंद्र नरेंद्र भाई भाई मोदी मोदी वर्चुअली वर्चुअली रूप रूप से से जुड़ने जुड़ने वाला है वाला है मेरे मेरे लिए लिए गौरव गौरव की की बाबत बाबत है। है। सभी सभी हमारे हमारे गेस्ट, गेस्ट, गुजरात गुजरात हैज हैज ऑलवेज ऑलवेज बीन बीन दी दी टॉर्च टॉर्च बैरियर बैरियर फॉर फॉर मेनी मेनी इनिशिएटिव्स इनिशिएटिव्स एंड एंड इज इज सेटिंग सेटिंग ए ए रोल रोल मॉडल मॉडल फॉर फॉर अदर्स अदर्स टू टू फॉलो। फॉलो दी दी गुजरात गुजरात साइंस साइंस सिटी सिटी ज्वाइंट हो ज्वाइंट गए। हो गए। आप आप सबका सबका स्वागत स्वागत करता हूं। करता हूं। हमारे हमारे आदरणीय आदरणीय नरेंद्र भाई नरेंद्र भाई मोदी, मोदी देश के देश के सर्वाधिक सर्वाधिक लोकप्रिय लोकप्रिय वड़ाप्रधान वड़ाप्रधान और और वैश्विक वैश्विक नेता, नेता हमारे हमारे कॉन्क्लेव कॉन्क्लेव में में जुड़ जुड़ चुके चुके हैं। हैं। हम हम तहे तहे दिल दिल से से आदरणीय आदरणीय नरेंद्र नरेंद्र भाई भाई का का ये ये सबसे सबसे बड़ा बड़ा साइंस साइंस सेंटर, सेंटर जिसके जिसके विजन विजन से से शुरू शुरू हुआ हुआ है। है। और और आज आज मुझे मुझे खुशी खुशी है है कि कि वर्ल्ड वर्ल्ड का का सबसे सबसे बड़ा बड़ा साइंस साइंस सेंटर सेंटर ये ये हमारे हमारे अहमदाबाद अहमदाबाद में में नरेंद्र नरेंद्र भाई भाई सरदार सरदार पटेल पटेल और और गांधी गांधी जी जी के के गुजरात गुजरात में में बना बना हुआ हुआ है। है। फिर से फिर एक से बार एक आप बार आप सबका सबका स्वागत स्वागत करता करता हूं हूं और और पूरे पूरे दो दो दिन दिन में में ये जो ये हमारा हमारा कॉन्क्लेव कॉन्क्लेव है है पूरे पूरे भारत भारत में में पहली पहली बार बार गुजरात गुजरात में में ये ये होने होने जा जा रहा रहा है। है। आदरणीय आदरणीय नरेंद्र नरेंद्र भाई भाई मोदी मोदी जी, जी, आदरणीय आदरणीय जितेंद्र जितेंद्र सिंह सिंह जी, जी, मैं मैं भूपेंद्र भूपेंद्र भाई भाई पटेल पटेल माननीय माननीय मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की की ओर ओर से से धन्यवाद धन्यवाद करता करता हूं हूं कि कि हमको हमको ये ये मौका मौका गुजरात गुजरात चुना चुना गया। गया। धन्यवाद। धन्यवाद। पुनः पुनः आदरणीय आदरणीय नरेंद्र नरेंद्र भाई भाई मोदी मोदी साहब, साहब, माननीय माननीय मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री श्री जितेंद्र जितेंद्र भाई, भाई, जितेंद्र जितेंद्र सिंह सिंह और और आप आप सबका सबका गुजरात गुजरात सरकार सरकार की की ओर ओर से से स्वागत स्वागत करता करता हूं। हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। भारत भारत माता माता की की जय। जय। Thank you Thank so you so much, much, sir. sir. Moving Moving ahead, ahead, may may I I now now request request and and invite invite Dr. Dr. Jitendra Jitendra Singh Singh ji, ji, Honorable Honorable Union Union Minister Minister of of Science Science and and Technology, Technology, Earth Earth Science Science and and Department Department of of Atomic Atomic Energy Energy and and Space Space to to please, please, please please welcome welcome us us all. all. विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हम सबके हृदय सम्राट, भारत के तेजस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री गुजरात भूपेंद्र भाई पटेल जी, गुजरात सरकार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीकरण मंत्री जीतू भाई बगानी जी, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोफेसर अशोक सूद, डॉक्टर भटकर, सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार डॉक्टर एस चंद्रशेखर, गुजरात सरकार में मुख्य सचिव पंकज कुमार जी, भिन्न भिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से पधारे हुए मंत्री महोदय, अधिकारीगण, लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो मुझे तहे दिल से और हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। अपने बहुमूल्य समय में से कुछ एक क्षण निकाल करके उन्होंने इस दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन कर हम सबका हौसला बढ़ाया है। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने निरंतर विज्ञान, नवाचार, इनोवेशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और उसका नतीजा ये है कि आज हिंदुस्तान के घर घर में टेक्नोलॉजी प्रवेश कर चुकी है। और ये इसलिए संभव हुआ प्रधानमंत्री जी कि आपने अनेकों ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए जिनको लेने का शायद पिछली सरकारों में साहस ना था। ये आप ही के कार्यकाल में संभव हुआ कि अंतरिक्ष विभाग
पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया गया, आज वो गगनयान की तैयारी कर रहे हैं। ये आप ही के कार्यकाल में संभव हुआ कि परमाणु ऊर्जा विभाग ज्वाइंट वेंचर्स की अनुमति प्राप्त कर नए संस्थान खोलने में लग गया। ये आप ही के कार्यकाल में संभव हुआ कि बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने दुनिया का सबसे पहला डीएनए वैक्सीन इजाद करके विश्व भर को उपलब्ध करवाया। ये आप ही के कार्यकाल में संभव हुआ कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने डीप ओशन मिशन प्रारंभ करके भारत के 7,500 किलोमीटर लंबे समुद्र तट के साथ बसे सागर के भीतर की अपार संपत्ति को खोजने का काम शुरू किया। और ये भी आप ही के कार्यकाल में संभव हुआ कि मात्र 350 स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर के 75,000 का आंकड़ा पार कर गई और हिंदुस्तान को दुनिया के पहले 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में शुमार किया गया। और आज भी या आप ही की प्रेरणा से इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस, इस प्रकार के सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन अपने में अनोखा केवल इसलिए नहीं कि इसमें प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व है, बल्कि इसलिए भी कि इसको एक अलग स्वरूप देने का प्रयास है। अलग अलग सत्र थीम बेस्ड सेशंस होंगे। भारत एक बहुमुखी देश है, प्रत्येक राज्य की परिस्थिति अलग, प्रत्येक राज्य की जरूरत भी अलग। किस राज्य में किस टेक्नोलॉजी का उपयुक्तता से प्रयोग हो सकता है उसको लेकर के केंद्र और प्रदेश मिल बैठ करके मंथन करें, एक इंटेग्रेटेड अप्रोच से, साइलोज से बाहर निकल करके एक नई कार्यशैली का पालन करते हुए ऐसा करने का प्रयास किया जाएगा। और फिर इसी अनुभव को लेकर के आने वाले सालों में बारी बारी से भिन्न भिन्न राज्यों में इस प्रकार के सम्मेलन आयोजित करने का प्रयास रहेगा। साथ ही साथ इस सम्मेलन से जो निष्कर्ष अथवा कंक्लूजन्स निकलेंगे उनके आधार पर यदि आवश्यकता हुई तो छोटी छोटी ज्वाइंट कमेटीज, वर्किंग कमेटीज अथवा टोलियां, समितियां फॉलोअप के लिए भी गठित की जा सकती हैं। और इसके अतिरिक्त आप ही के द्वारा अमृतकाल के आह्वान को मद्देनजर रखते हुए प्रत्येक प्रदेश में युवा वैज्ञानिक, युवा प्रतिभाओं को कैसे बढ़ावा दिया जा सके इसको लेकर भी केंद्र और प्रदेश मिल बैठ करके योजना बनाएंगे, विचार करेंगे, ताकि अगले 25 वर्ष ये युवा अपनी पूरी ऊर्जा के साथ देश की सेवा को समर्पित हो सके और 2047 के भारत के निर्माण में, आपके सपनों के शताब्दी भारत के निर्माण में अपनी भूमिका अनुकूलता के साथ निभा सके। मुझे और कुछ नहीं कहना, हम सब मुंतजर हैं आपके संबोधन के लिए। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हम सभी का आज यहाँ पे स्वागत करने के लिए। आगे बढ़ते हुए मैं गुजरात राज्य के वरिष्ठ मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी से निवेदन करूंगी कि वे सभा को संबोधित करें। गुजरात राज्य के आर्थिक पाटनगर अहमदाबाद में आयोजित सेंट्रल स्टेट साइंस कॉन्क्लेव में हमारे बीच वर्चुअली माध्यम से उपस्थित आत्मनिर्भर भारत के प्रणेता एवं देश के जनप्रिय तपस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, केंद्रीय साइंस एवं टेक्नोलॉजी मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी, गुजरात राज्य के साइंस टेक्नोलॉजी एवं शिक्षा मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी जी, नीति आयोग के सदस्य श्री वीके सारस्वत जी, भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर श्री डॉक्टर एके सूद जी, भारत सरकार के साइंस टेक्नोलॉजी सचिव श्री डॉक्टर चंद्रशेखर, गुजरात राज्य के मुख्य सचिव श्री पंकज कुमार, सब अधिकारीगण, प्रेस मीडिया के उपस्थित सब अतिथिगण,
प्रेस मीडिया जगत के सब मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन विजन 2047 में अग्रेसर बने रहने के लिए यह सेंट्रल स्टेट साइंस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से देश में इस प्रकार की कॉन्क्लेव पहली बार आयोजित किया जा रहा है। इस कॉन्क्लेव में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, वाटर, एनर्जी, डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और अन्य विषयों पर चर्चा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री एवं उच्च अधिकारी एक मंच पर एकत्रित हुए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आजादी के अमृत काल में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस सपने को साकार करने के लिए यह जरूरी है कि हम राष्ट्र के विकास के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी आधारित होलिस्टिक अप्रोच अपनाएं। यह हमारे लिए हर्ष की बात के यह कॉन्क्लेव गुजरात साइंस सिटी में आयोजित किया जा रहा है। गुजरात साइंस सिटी माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और विश्व स्तर के सर्वश्रेष्ठ साइंस पार्कों में से एक है। गुजरात सरकार द्वारा साइंस सिटी के माध्यम से समाज को विज्ञान से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। हमारी सरकार विज्ञान विषय के प्रसार और लोकप्रियता के लिए कई साहसिक कदम उठा रही है। जुलाई 2021 में साइंस सिटी के इस परिसर में नई एक्वाटिक गैलरी, रोबोटिक गैलरी और नेचर पार्क का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों से किया गया है। इन नए आकर्षणों के आरंभ के बाद एक वर्ष में लगभग 12 लाख से अधिक लोगों ने साइंस सिटी की मुलाकात ली है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करने के लिए राज्य में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार भारी निवेश कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट साइंस सिटी में लगातार नई नई एक्टिविटीज और आकर्षणों को हम जोड़ रहे हैं। साइंस सिटी में एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस गैलरी तथा ह्यूमन एंड बायोलॉजिकल साइंस गैलरी सहित नई गैलरियों का विकसित कर रहे हैं। विज्ञान की लोकप्रियता और जनसंचार केवल अब अहमदाबाद के इस साइंस सिटी तक सीमित नहीं है। पिछले ही महीने 28 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भुज में रीजनल साइंस सेंटर का शुभारंभ किया है। यह सेंटर इस सीमा के क्षेत्र के विद्यार्थी, शिक्षकों एवं आम जनता को विज्ञान के प्रति जागरूक बनाएगा। इसके अलावा राजकोट और भावनगर में भी रीजनल साइंस सेंटर तैयार किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की प्रेरणा से गुजरात पॉलिसी ड्रिवन स्टेट के रूप में उभरा है। हमने आईटी एंड आईटीज पॉलिसी, सेमीकंडक्टर पॉलिसी, बायोटेक्नोलॉजिकल पॉलिसी, ड्रोन पॉलिसी जैसी पहल भी की है। हमने यूनिवर्सिटी ऑफ एडबर्न के साथ मिलकर गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। गुजरात बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेशन क्षेत्र में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सराहनीय कार्य कर रहा है। सिस्मिक साइंस पर सबसे उन्नत एडवांस रिसर्च करने के लिए राज्य सरकार द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च की भी स्थापना की गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात की हमारी सरकार युवा पीढ़ी के लिए राज्य में ज्ञान आधारित साइंस एंड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम का निर्माण कर रही है। साथ ही हमारी डबल इंजन सरकार में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इनोवेशन को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि भारत के स्टार्टअप रैंकिंग में गुजरात पिछले 3 साल से लगातार प्रथम नंबर पर रहा है। गुजरात साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में देश का रोल मॉडल बनने कृत संकल्प है। फिर एक बार आप सभी का गुजरात में स्वागत करते हुए आशा करता हूं यह कॉन्क्लेव राज्य और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए हमें प्रेरित करेगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात।
इस सभी अचीवमेंट्स और कोलैबोरेशंस के लिए हार्दिक बधाइयां। और आगे बढ़ते हुए हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े भारत के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं निवेदन करूंगी कि सभा को संबोधित करें। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, विभिन्न राज्य सरकारों के मंत्रीगण, स्टार्टअप की दुनिया से जुड़े सभी साथियों, विद्यार्थी मित्र, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव इस महत्वपूर्ण समारोह में मैं आप सबका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। आज के नए भारत में सबका प्रयास की जिस भावना को लेकर हम चल रहे हैं, ये आयोजन उसका एक जीवंत उदाहरण है। साथियों, 21वीं सदी के भारत के विकास में विज्ञान उस ऊर्जा की तरह है जिसमें हर क्षेत्र के विकास को, हर राज्य के विकास को बहुत गति देने का सामर्थ्य है। आज जब भारत चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने की तरफ बढ़ रहा है, तो उसमें भारत की साइंस और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की भूमिका बहुत अहम है। ऐसे में नीति निर्माताओं का, शासन प्रशासन से जुड़े हम लोगों का दायित्व और बढ़ जाता है। मुझे उम्मीद है अहमदाबाद की साइंस सिटी में हो रहा ये मंथन आपको एक नई प्रेरणा देगा, साइंस को प्रोत्साहित करने के उत्साह से भर देगा। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, अर्थात ज्ञान जब विज्ञान के साथ जुड़ता है, जब ज्ञान और विज्ञान से हमारा परिचय होता है, तो संसार की सभी समस्याओं और संकटों से मुक्ति का रास्ता अपने आप खुल जाता है। समाधान का, सॉल्यूशन का, इवोल्यूशन का और इनोवेशन का आधार विज्ञान ही है। इसी प्रेरणा से आज का नया भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ ही जय अनुसंधान का आह्वान करते हुए आगे बढ़ रहा है। साथियों, बीते समय का एक अहम पक्ष है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इतिहास की वो सीख केंद्र और राज्य दोनों के लिए भविष्य का मार्ग बनाने में बहुत सहायक होगी। अगर हम पिछली शताब्दी के शुरुआती दशकों को याद करें तो पाते हैं कि दुनिया में किस तरह तबाही और त्रासदी का दौर चल रहा था लेकिन उस दौर में भी बात चाहे ईस्ट की हो या वेस्ट की, हर जगह के साइंटिस्ट अपनी महान खोज में लगे हुए थे।
पश्चिम में आइंस्टाइन, फर्मी, मैक्स प्लांक, निल्स बोर, टेस्ला ऐसे अनेक साइंटिस्ट अपने प्रयोगों से दुनिया को चौंका रहे थे। उसी दौर में सीवी रमन, जगदीश चंद्र बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनाथ साहा, एस चंद्रशेखर वैसे अनगिनत वैज्ञानिक अपनी नई नई खोज सामने लेकर के आ रहे थे। इन सभी वैज्ञानिकों ने भविष्य को बेहतर बनाने के कई रास्ते खोज दिए, लेकिन ईस्ट और वेस्ट के बीच एक बड़ा अंतर यह रहा कि हमने अपने वैज्ञानिकों के काम को उतना सेलिब्रेट नहीं किया जितना किया जाना चाहिए था। इस वजह से साइंस को लेकर हमारे समाज के एक बड़े हिस्से में उदासीनता का भाव पैदा हो गया। एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि जब हम कला को सेलिब्रेट करते हैं तो हम और नए कलाकारों को प्रेरणा भी देते हैं, पैदा भी करते हैं। जब हम खेल को सेलिब्रेट करते हैं तो हम और नए खिलाड़ियों को प्रेरित भी करते हैं, पैदा भी करते हैं। उसी तरह जब हम अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करते हैं तो साइंस हमारे समाज का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है, वो पार्ट ऑफ कल्चर बन जाती है। इसलिए आज सबसे पहला आग्रह मेरा यही है, आप सभी राज्यों से आए हुए लोग हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हम अपने देश के वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को जमकर के सेलिब्रेट करें, उनका गौरवगान करें, उनका महिमामंडन करें। कदम कदम पर हमारे देश के वैज्ञानिक हमें अपनी खोज के तारा इसका अवसर भी दे रहे हैं। आप सोचिए, आज भारत अगर कोरोना की वैक्सीन विकसित कर सका है, 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगा सका है, तो उसके पीछे हमारे वैज्ञानिकों की कितनी बड़ी ताकत है। ऐसे ही आज हर क्षेत्र में भारत के वैज्ञानिक कमाल कर रहे हैं। भारत के वैज्ञानिकों की हर छोटी बड़ी उपलब्धि को सेलिब्रेट करने से देश में साइंस के प्रति जो रुझान पैदा होगा वह इस अमृत काल में हमारी बहुत मदद करेगा। साथियों, मुझे खुशी है कि हमारी सरकार साइंस बेस्ड डेवलपमेंट की सोच के साथ आगे बढ़ रही है। 2014 के बाद से साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट में भी काफी वृद्धि की गई है। सरकार के प्रयासों से आज भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 46वें स्थान पर है, 46, जबकि 2015 में भारत 81 नंबर पर था, 81। इतने कम समय में हम 81 से 46 तक आए हैं, लेकिन यहां रुकना नहीं है, अभी और ऊपर जाना है। आज भारत में रिकॉर्ड संख्या में पेटेंट हो रहे हैं, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं। आप भी देख रहे हैं कि आज इस कॉन्क्लेव में इतने सारे स्टार्टअप साइंस के सेक्टर से हमारे यहां आए हैं। देश में स्टार्टअप की लहर बता रही है कि बदलाव कितनी तेजी से आ रहा है।
साथियों, आज की युवा पीढ़ी के डीएनए में ही साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, उसके प्रति रुझान है। वो बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करता है। हमें इस युवा पीढ़ी को पूरी शक्ति से सपोर्ट करना है। आज के नए भारत में युवा पीढ़ी के लिए रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में नए सेक्टर बन रहे हैं, नए सेक्टर खुल रहे हैं। स्पेस मिशन हो, डीप ओशन मिशन हो, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन हो, सेमीकंडक्टर मिशन हो, मिशन हाइड्रोजन हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, ऐसे अनेक अभियानों पर तेजी से काम चल रहा है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस बात पर खास जोर दिया गया है कि विद्यार्थी को उसकी मातृभाषा में साइंस और टेक्नोलॉजी की शिक्षा उपलब्ध हो सके। साथियों, इस अमृत काल में भारत को रिसर्च और इनोवेशन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए हम सबने एक साथ मिलकर के अनेक मोर्चों पर काम करना है। अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी रिसर्च को हमें लोकल स्तर पर लेकर जाना है। आज समय की मांग है कि हर राज्य अपनी स्थानीय समस्याओं के हिसाब से स्थानीय समाधान तैयार करने के लिए इनोवेशन पर बल दे। अब जैसे कंस्ट्रक्शन का ही उदाहरण लीजिए, जो टेक्नोलॉजी हिमालय के क्षेत्रों में उपयुक्त है, वो जरूरी नहीं है कि पश्चिमी घाट में भी उतनी ही प्रभावी हो। रेगिस्तान की अपनी चुनौतियां हैं, तो तटीय इलाकों की अपनी समस्याएं हैं। इसलिए आज हम एफोर्डेबल हाउसिंग के लिए भी लाइट हाउस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिनमें कई तकनीकों का उपयोग हो रहा है, उसको आजमाया जा रहा है। इसी प्रकार क्लाइमेट रेजिलियंस क्रॉप्स, उसको लेकर भी जितना लोकल होंगे उतने ही बेहतर समाधान दे पाएंगे। हमारे शहरों से निकलने वाला जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसकी रिसाइकलिंग में, सर्कुलर इकोनॉमी में भी साइंस की बड़ी भूमिका है। ऐसी हर चुनौती से निपटने के लिए ये आवश्यक है कि हर राज्य साइंस, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आधुनिक पॉलिसी का निर्माण करे, उस पर अमल करे। साथियों, सरकार के तौर पर हमें अपने साइंटिस्ट के साथ ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेट और कोलैबोरेट करना होगा। इसी से देश में साइंटिफिक मॉडर्निटी का माहौल बढ़ेगा। इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक संस्थानों के निर्माण पर और प्रक्रियाओं को सरल करने पर बल देना चाहिए। राज्यों में जो उच्च शिक्षा के संस्थान है, उनमें इनोवेशन लैब की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। आजकल हाइपर स्पेशलाइजेशन का दौर चल रहा है। राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पेशलिस्ट लेबोरेटरीज की स्थापना की जा रही है, उसकी आवश्यकता भी बहुत है। इसमें केंद्र के स्तर पर राष्ट्रीय संस्थानों के एक्सपर्टाइज के स्तर पर राज्यों ही हर तरह से मदद के लिए हमारी सरकार तत्पर है।
स्कूलों में साइंस की आधुनिक लैब्स के साथ साथ अटल टिंकरिंग लैब्स के निर्माण के अभियान को भी हमें तेज करना है। साथियों, राज्यों में राष्ट्रीय स्तर के अनेक वैज्ञानिक संस्थान होते हैं, नेशनल लेबोरेटरीज भी होती है। इनमें के सामर्थ्य का लाभ, इनकी एक्सपर्टाइज का पूरा लाभ भी राज्यों को उठाना चाहिए। हमें अपने साइंस से जुड़े संस्थानों को साइलोज की स्थिति से भी बाहर निकालना होगा। राज्य के सामर्थ्य और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए सभी वैज्ञानिक संस्थानों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उतना ही आवश्यक है। आपको अपने राज्य में ऐसे कार्यक्रमों की संख्या में भी वृद्धि करनी चाहिए जो ग्रासरूट लेवल पर साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर हम सबको आगे बढ़ाते हो। लेकिन इसमें भी हमें एक बात का ध्यान रखना है। अब जैसे कई राज्यों में साइंस मेले होते हैं, साइंस फेस्टिवल होता है, लेकिन यह भी सच है कि उसमें बहुत सारे स्कूल हिस्सा ही नहीं लेते हैं। हमें इसके कारणों पर काम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा स्कूलों को साइंस फेस्टिवल का हिस्सा बनाना चाहिए। आप सभी मंत्री साथियों को मेरा यह भी सुझाव है कि अपने राज्य के साथ ही दूसरे राज्यों के साइंस करिकुलम पर भी बारीक नजर रखें। दूसरे राज्यों में जो कुछ अच्छा है उसे आप अपने यहां दोहरा सकते हैं। देश में साइंस को बढ़ावा देने के लिए हर राज्य में साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी उतना ही आवश्यक है। साथियों, भारत का रिसर्च और इनोवेशन इकोसिस्टम दुनिया में श्रेष्ठ हो, अमृत काल में हमें इसके लिए पूरी ईमानदारी के साथ जुटना है। इस दिशा में ये कॉन्क्लेव सार्थक और समयबद्ध समाधानों के साथ सामने आएगी। इसी शुभकामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और मुझे विश्वास है कि आपके इस मंथन से विज्ञान की गति प्रगति में नए आयाम जुड़ेंगे, नए संकल्प जुड़ेंगे और हम सब मिलकर के आने वाले दिनों में जो हमारे सामने अवसर है उस अवसर को गंवाने नहीं देंगे। किसी भी हालत में अवसर जाना नहीं चाहिए। बड़े मूल्यवान 25 साल हमारे पास है। ये 25 साल है जो विश्व में भारत की एक नई पहचान, नई ताकत, नया सामर्थ्य के साथ भारत को खड़ा कर देगा। और इसलिए साथियों, आपका ये समय सच्चे अर्थ में आपके राज्य के विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बल देने वाला बनना चाहिए। मुझे विश्वास है आप इस मंथन से वो अमृत निकाल के जाएंगे जो अमृत आपके अपने अपने राज्य में अनेक नए अनुसंधानों के साथ देश की प्रगति में जुड़ेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। And with this, this is the official inaugural session, the inauguration of Center State Science Conclave 2022. Let's give a huge round of applause.